प्रेरित अंकुर नरूला जी जो कि जालंधर पंजाब से, उनके साथ में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय भूपेश बघेल जी उपस्थित हैं और ये हमारे लिए सचमुच बहुत खुशी की बात है। और उनके साथ में हमारे बीच में जो अतिथि उपस्थित है, मैं उन सबों का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमने कह दिया है कि अगर बलजिंदर सिंह यहाँ आता है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और हमारा अभियान रोको टोको ठोको चलता रहेगा। हमने अभी रोकने के लिए आए हैं, समझाने के लिए आए हैं। अब हमारा सिर्फ बच गया ठोकने का काम। अगर उसके बाद भी नहीं समझते हैं तो हम इस काम को करेंगे। हमको जहां तक जानकारी में ऐसा आ रहा है कि कलेक्टर से इनको परमिशन तो नहीं मिलेगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि 23 और 24 तारीख को जो प्रॉफिट बलजिंदर सिंह की मीटिंग होने वाली थी छत्तीसगढ़ के अंदर, वो किसी कारण की वजह से नहीं हो पाई है। और आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर ज्योति शर्मा और जो इनके साथ रतन यादव है और इनका जो पूरा दल मिलकर इस प्रार्थना को नहीं होने के लिए इतना विरोध इन लोगों ने जताया और फाइनली इस प्रार्थना को वहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। और इसका जो मुख्य कारण है कि वो वहाँ पर जो द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, वो उनका दो दिन का दौरा होने की वजह से ये प्रार्थना सभा भी स्थगित है। आगे कब होती है देखते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ अंकुर नरूला जी की। जब छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत बड़ी चंगाई सभा प्रार्थना सभा रखी गई थी जिसमें लाखों लोगों ने शामिल होकर परमेश्वर की आराधना की थी और वहाँ पर जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे वो भी इस प्रार्थना में शामिल हुए थे। इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा जरूर देख के जाइएगा, निश्चय परमेश्वर आज आपको बहुत आशीष देगा। आइए इस वीडियो को देखते हैं। प्रेरित अंकुर नरूला जी हमारे बीच में आ रहे हैं, हम उनका जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। हम उनका आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी को आमंत्रित करता हूं और साथ ही हमारे मुख्य वक्ता प्रेरित अंकुर नरूला जी, उन्हें भी आमंत्रित करता हूं मैं। और उनके साथ में मैं आदरणीय श्रीजू एंथोनी जी, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस कमेटी को आमंत्रित करता हूं। मैं आदरणीय अरुण बोरा जी, विधायक दुर्ग, विशेष अतिथि को आमंत्रित करता हूँ। और उसके साथ सैमुअल डेविड, बिलाई नगर को आमंत्रित करता हूं। और साथ ही आदरणीय फेरिक्स जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मसीही संघ को मैं यहां पर आमंत्रित करता हूं। एक बहुत खुशी का दिन है कि जब हम यहां पर उपस्थित हुए हैं और फिर से एक बार मैं आदरणीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। छत्तीसगढ़ मसीह संघ की ओर से हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। हमारे बीच में धर्मेंद्र यादव जी भी उपस्थित हैं जो कि विधायक देवेंद्र यादव के बड़े भाई हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूँ मंच पर। आप सबों से निवेदन कि आप अपने अपने जगह पर बैठ सकते हैं। हमारे अतिथि जी, मुख्य अतिथि जी, आप सबों से निवेदन है। मैं निवेदन करूंगा प्रेरित अंकुर नरूला जी से कि वे आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का बुके दे के स्वागत करेंगे। हम ताली बजा के स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा सभी अतिथियों से कि वे अपनी जगह पे बैठ जाएं। बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमारे बीच में इस धार्मिक सभा में प्रेरित अंकुर नरूला जी जो कि जालंधर पंजाब से, उनके साथ में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय भूपेश बघेल जी उपस्थित हैं और ये हमारे लिए सचमुच बहुत खुशी की बात है। और उनके साथ में हमारे बीच में जो अतिथि उपस्थित है, मैं उन सबों का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
कहते हैं कि अतिथि सबसे बड़ा होता है और निश्चित तौर पे हम अपनी परंपरा के अनुसार अतिथियों का स्वागत करते हैं। बाइबल भी बताती है, किसी भी धर्म में आप देख लीजिए अतिथियों का स्वागत करना उसमें बताया जाता है। हम भी अतिथियों का स्वागत करेंगे और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि अतिथियों का स्वागत करने के लिए पुष्प गुच्छ और फूलों के हार के अलावा बहुत अच्छा रास्ता हमारे बीच और कुछ नहीं है। हम कुछ देर स्वागत की कड़ी में जाएंगे। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ मसीह संघ के अध्यक्ष मोजेस लोगन जी से निवेदन किए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का स्वागत करेंगे। हम ताली बजा के स्वागत करेंगे। सैमुएल डेविड जी से निवेदन है, सैमुएल डेविड जी से निवेदन है कि वे पुष्प गुच्छ फूलों के हार से स्वागत करेंगे बेच लगाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। पूरी टीम से निवेदन है कि वो सभी आ जाए। आदरणीय किरण दान जी, एसआई कुमार जी, सिस्टर ग्लोरी हेनरी, पास्टर हेनरी, सिस्टर लोगन, सभी ऊपर आ जाए, हम एक साथ स्वागत करेंगे। मनोज मसीह जी, पास्टर अमित, आप सभी आ जाए, हम सब मिलकर भूपेश बघेल जी का स्वागत करेंगे। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हम मोमेंटो ले मैं सिस्टर ग्लोरी दास से निवेदन करूंगा कि वे मोमेंटो दे के आज के मुख्य अतिथि आदरणीय भूपेश बघेल जी का स्वागत करेंगे। सिस्टर ग्लोरी दास, हम जल्दी जल्दी स्वागत करेंगे। हम सिस्टर अंजुमा ग्रेस मोमेंटो देंगी, सिस्टर अंजुमा ग्रेस और उसके पश्चात सुसन लोगन जी को मोमेंटो दे के स्वागत करेंगे। सिस्टर लोगन जी, हाँ भैया, हाँ हाँ, सिस्टर लोगन आप प्रेत अंकुर नरोला जी को मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे। किरण दान जी आप मुख्य अतिथि का मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे। पास्टर अमित आप मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे मुख्य अतिथि का। पास्टर हेनरी आप मोमेंटो देके मोमेंटी है ना आप मोमेंटो मुख्य अतिथि को देकर स्वागत करेंगे। और है पास्टर हेनरी आप आदरणीय सीजू एंथोनी जी का स्वागत करेंगे। स्वागत की कड़ी को हम यही समाप्त कर देते हैं, प्लीज बैठ जाइए। इसी के साथ मैं हमारे आज जो चीफ गेस्ट हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दो शब्द हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कहें। थैंक यू। राष्ट्रीय मसीह समाज के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। मंच में उपस्थित आदरणीय अंकुर नरुला जी, भाई सीजू एंथोनी जी, भाई धर्म, और पिछले समय भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हुए थे, उसमें भी आने का अवसर मिला था। और आज फिर से भाई मोजेस ने और सीजू ने आमंत्रित किया है, आपके बीच आकर मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। और चूंकि यह धार्मिक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में इसका इस संस्था के द्वारा जहाँ बच्चों की शिक्षा, गरीबों के लिए भोजन और कपड़े, और जहाँ बाढ़ पीड़ित हों उनकी सहायता के लिए भी यह समाज या संगठन अग्रणी रहा है, इसलिए मैं इस संस्था को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आप सब अंकुर नरुला जी को सुनना चाहते हैं और इसलिए बहुत ज़्यादा देर उनके बीच न रहते हुए आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आत्मिक पिता अबोस रंकुन नरुला जी को कि वो हमारे चीफ गेस्ट और छत्तीसगढ़ के सभी लोगों के लिए वो प्रेयर करें। प्लीज कम ऑन द स्टेज अबोस रंकुन नरुला जी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि जिसका सम्मान करना चाहिए उसका सम्मान करो, और क्रिश्चियन लोगों को बाइबल कहती है कि पॉलिटिकल अगुओं के लिए प्रार्थना करो। तो क्या आप बाइबल को पूरा करने के लिए तैयार हैं? yes! सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी हुजूरी में आते हैं। वचन में जो लिखा कि जिसका सम्मान करना चाहिए उसका सम्मान करो, वचन में लिखा कि अपने पॉलिटिकल अगुओं के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम भक्ति और चैन के साथ अपनी जिंदगी को बिता सको। पिता, हम प्रार्थना करते तेरे बेटे के लिए, हम प्रार्थना करते मुख्यमंत्री के लिए, हम प्रार्थना करते छत्तीसगढ़ के लिए। तेरा रूह खुदावंद इनकी जिंदगी में जुम्बश करे और कार्य करे। तेरे लहू में हम उनको छुपाते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरा ही आत्मा इनको छुए और बल, ताकत और बुद्धि के साथ इन्हें ब्लेस करे। सामर्थी परमेश्वर, हम मांगते खुदावंद तेरे लोग होने के नाते हम मांगते कि तूने हमें प्रार्थना करने का अधिकार दिया। उस अधिकार के साथ हम आशीष को मांगते इस गवर्नमेंट के लिए, उस अधिकार के साथ हम तरक्की को मांगते इस गवर्नमेंट के लिए, और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस गवर्नमेंट की तरक्की की हम घोषणा करते हैं, बुद्धि की हम घोषणा करते हैं कि ये नई नई स्कीम्स आने वाली हैं छत्तीसगढ़ में, जो अभी तक ये नहीं जानते, आप नहीं जानते, लोग नहीं जानते, वो सब लोग ये सुनने वाले, क्योंकि आपकी आत्मा ने ये मुझ पर जाहिर किए हैं। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा दास होने के नाते इन सब मंत्रिमंडल को, इनके परिवारों को, इनके शरीरों को, इनकी सेहतों को मैं आशीषित घोषित करता हूं। तेरा पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे मेरे सामर्थी परमेश्वर, क्योंकि बाइबल एक बात कहती है, पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना कोई भी राज्य परमानेंट नहीं, कोई भी राज्य फलवंत नहीं है। मेरे पिता, जब ये तेरे राज्य में चले जो तूने इनको दिए हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई इनके हमेशा साथ हो। शैतान की सभी योजनाएं तेरे नाम से नाश हो, वैरी की सभी योजनाएं तेरे नाम से नाश हो। एक चर्च होने के नाते, तेरे जीवित लोग होने के नाते, हम सब इन सब जनों को जो आज इस पंडाल में मौजूद हैं और इस गवर्नमेंट को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित करते हैं। हम यीशु मसीह के नाम में आशीषित करते हैं दूसरे एमएलए को भी, दूसरे लोगों को भी, दूसरे पॉलिटिकल अगुओं को भी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम सब कुछ मांगते हैं। पूरी चर्च बोले आमीन। आपका आमीन जितना लंबा और ऊंचा, ब्लेसिंग उतनी लंबी और ऊंची। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से, जोर से, जोर से तारीफ करो सब जन। आमीन। तैयार हो परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए? अपने हाथों को उठाओ सब जन, और हम विदा करेंगे अभी चीफ मिनिस्टर साहब को ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकें। तारीफ करो सब जन, और एक बार फिर से तालियों के साथ जितने उनके साथ लोग आए उन सबका स्वागत करो और उन्हें विदा करो। गॉड ब्लेस यू सर, प्रभु आपको ब्लेस करें। आमीन। थैंक यू। ओके, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ अपने हाथों को। अभी दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, और मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय आप लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीष पाई होगी। आप लोग जरूर ब्लेस हैं, क्योंकि आप लोग ने देखा कि जो अंकुर नरुला जी हैं, इन्होंने किस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर जो प्रार्थना सभा रखी थी, कितनी भीड़ ने इकट्ठा होकर परमेश्वर के वचन को सुना और परमेश्वर की आराधना की है। आप लोग जानते हैं कि परमेश्वर की सेवकाई को कोई भी रोक नहीं सकता है। जब परमेश्वर खोलता है तो कौन उसे बंद कर सकता है। इन दिनों में जो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह का जो चंगाई सभा होने वाला था, उस सभा के विरोध में कितने ही लोग उठ खड़े हुए हैं, लेकिन दोस्तों ये सत्य को नहीं जानते हैं। हमें इनके लिए जरूर प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर सबको बदलने वाला परमेश्वर है। एक समय शाऊल भी, जो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करता था, वही पुराने समय में जब विरोध करता था, प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको छुआ तो वहीं यीशु मसीह की आराधना किया उसने, और यीशु मसीह के सुसमाचार को बहुत लोगों के पास में, देशों के पास में पहुँचाया। निश्चय परमेश्वर इनके मनों को भी बदलेगा। आज की इस वीडियो में मैं निश्चय आप
लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष कर चुका है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और उन खासकर उन लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा जो कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह से आज भी दूर है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।